अमरपाटन में राशन दुकान से अज्ञात चोरों ने 120 क्विंटल अनाज रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया है। अज्ञात चोरों के नाम से पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरपाटन के ताला थाना क्षेत्र के रामगढ़ में संचालित सेवा सहकारी समिति की राशन दुकान से 120 क्विंटल अनाज रहस्यमय ढंग से चोरी हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े और फिर अंदर रखा गेहूं और चावल लेकर गायब हो गए। बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी के जरिए इतने बड़ी अनाज की खेप को चंपत किया गया। सुबह ग्रामीणों ने सूचना मिलने पर सेल्समैन राममनी मिश्रा मौके पर पहुंचे और नुकसान की जानकारी जुटाकर विभागीय अधिकारियों को जानकारी देने के साथ साथ पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। 120 क्विंटल अनाज चोरी का मामला सामने आया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें गेहूं, शक्कर और चावल है, उसमें अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीकृत विवेचना की जा रही है। ताला थाना के ग्राम रामगढ़ का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।